खान अब्बासी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम की इंसदाद दहशत गर्दी में मुसल्ला अफवाज के किरदार की तारीफ की गई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और खैबर फोर में मुसल्ला अफवाज का किरदार काबिल तहसीन है, ऐसा कहा गया वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से। जमीर अली नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी जमीर। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज मुलाकात की है वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से और मुलाकात में पाक फौज के जो पेशा वराना उमूर हैं उस पर तफसीली बातचीत हुई है। इस मौके पर आर्मी चीफ की जानब से ऑपरेशन खैबर फोर और अब्दुल फसाद के हवाले से जारी कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से वजीर आजम को आगाह किया गया और इस मौके पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ऑपरेशन अब्दुल फसाद और खैबर फोर के अंदर पाक फौज के और सिक्योरिटी फोर्सेज के दीगर इदारों के इंतहाई अहम किरदार है और पाक फौज की जानब से खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने के हवाले से आलमी दुनिया भी इस बात का इदराक करती है और पाकिस्तान की जानब से जो दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई उसकी सारी दुनिया इस वक्त मोतरफ है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानब से वजीर आजम को खत्ते की जो मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि मुल्क के अंदरूनी जो अमन अमान की सूरत हाल है और खासतौर पर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ उसके हवाले से भी उनको आगाह किया गया, जबकि वजीर आजम की जानब से पाक फौज की जानब से जो जारी ऑपरेशन है उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया और इस बात का इरादा किया गया कि पाक वतन से दहशत गर्दी की लानत को हमेशा के लिए खत्म करके ही दम लेंगे और इस हवाले से पाक फौज समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के जो इदारे हैं उनकी कार्रवाइयों की तारीफ की वजीर आजम की जानिब से। जी जमीर अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।